हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल स्पीड सेंसर के बारे में, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके ख़राब होने से हमारी गाड़ी में हमें क्या इश्यूज मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं सब कुछ व्हीकल स्पीड सेंसर के बारे में। तो ये जो अभी आप सामने देख रहे हो ये है हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर। सबसे पहले देखते हैं ये माउंट कहाँ पे होता है। ये माउंट होता है हमारे गियर बॉक्स में। ये देखिए ये इस तरीके से गियर बॉक्स के एंड में बिल्कुल लगा हुआ है। 3 पिन का ये हमारा सेंसर होता है। इसका काम होता है व्हीकल की स्पीड को बताना कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। उसके अकॉर्डिंग ECU बहुत सारे चेंजेस इधर उधर इंटरनली करता रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारे पास हमारा ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो सभी सेंसर से इनपुट लेता है और फिर एक्चुएटर्स को यानी कार्यकर्ताओं को जो चेंजेस ला सकते हैं उनमें चेंजेस करता है। जैसे ड्राइवर ने अगर हमारा एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर यानी पैडल को 50% दबाया, पैडल 50% दबाया, तो ये जो पैडल सेंसर है इसने ECU को बताया कि भाई 50% का कमांड ड्राइवर ने दिया है। ECU के अंदर ऑलरेडी सेट है कि इस गाड़ी के लिए अगर 50% ड्राइवर पैडल दबाता है तो इसकी स्पीड लगभग मुझे 60 करनी है एट पर्टिकुलर गियर, चौथे गियर पे मेरे को लगभग 60 की स्पीड ये करनी है। तो अब मान लीजिए वो स्पीड हासिल नहीं हो पाती है उस गाड़ी में, तो फिर ECU इंजेक्टर को, पंप को या बूस्ट प्रेशर से अदर एक्चुएटर्स को, कहने का मतलब सेंसर्स को नहीं एक्चुएटर्स को, सेंसर वो होता है जो सिग्नल देता है कि ये हो रहा है, ठीक आपकी गाड़ी में इस तरीके से ये सारी हरकतें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड सेंसर बता रहा है कि स्पीड कितनी है, पैडल सेंसर बता रहा है कि ड्राइवर ने पैडल कितना दबाया, और एक्चुएटर वो होता है जो स्पीड को या किसी और पैरामीटर को चेंज कर सकता है। जैसे इंजेक्टर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, तो फिर ECU इंजेक्टर को या हाई प्रेशर पंप को अपना पर्टिकुलर कमांड में वेरिएशन करके उस स्पीड को हासिल करने की कोशिश करेगा जो उसके एल्गोरिदम में OEM ने फीड किया है। जैसे Hyundai की गाड़ी है तो Hyundai ने कह दिया कि 50% पे चौथे गियर पे 60 की स्पीड चाहिए, वो नहीं हो पा रही, तो फिर ECU कुछ ना कुछ करके एक्चुएटर्स को कमांड दे करके चेंजेस ला करके ये स्पीड हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक्यूरेसी है वो इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से, इस क्लोज लूप सिस्टम से, जहाँ पे एक तरफ से सिग्नल लिया जा रहा है और दूसरी तरफ ऑर्डर दिया जा रहा है ताकि वो पैरामीटर्स अचीव हो पाएँ जो फीड किए गए हैं, तो वो बेहतरीन रिजल्ट जो है उसमें रहता है। तो इसीलिए आजकल जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी इलेक्ट्रॉनिक की जा रही हैं। तो खैर ये हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर। आगे यहाँ पे जो ये गियर है इसमें जो नंबर ऑफ टीथ है ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए एक अंदाजे से, ये लेआउट है किसी भी गाड़ी का। ये इंजन है, क्लच आता है, फिर ये गियर बॉक्स है, फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल। अंत में जो स्पीड है, जो गाड़ी की स्पीड है, वो आखिरकार तो जो आपके टायर की स्पीड है वही गाड़ी की स्पीड है। तो इंजन का एक अपना RPM है, अलग रोटेशन पे चल रहा है, फिर गियर बॉक्स उस रोटेशन को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, फिर लास्ट में भी ये प्रोपेलर शाफ्ट घूम रही है गियर बॉक्स से निकल के और डिफरेंशियल में जा रही है। डिफरेंशियल में एक छोटा सा पिनियन गियर होता है और एक होता है बड़ा सा सन गियर। तो जो सन गियर के रोटेशन होते हैं वही हमारे पहियों के रोटेशन होते हैं। तो यहाँ भी जो गियर रेशियो है वो भी मैटर करता है। तो ये सभी गियर रेशियोज को ध्यान में रख करके कि भाई अल्टीमेटली इसका जो राउंड है वो हमारे व्हील के जो ये जो हमारे पहिया है इसके जो राउंड है उसके उससे मिलते हुए बैठें ताकि उसके रोटेशन से हम पता लगा सकें कि साहब कितने स्पीड पे जो है गाड़ी चल रही है। तो इस तरीके से ये जो गियर है ये डिज़ाइन किया जाता है। ये ऐसे ही आनन फानन में डिज़ाइन नहीं किया जाता, एक क्लियर पिक्चर और है ये ट्रांसमिशन की। आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सन गियर और ये यहाँ पे आता है ये पिनियन। तो जो इसका रोटेशन होता है वही आपके टायर का रोटेशन है। ये हमारे पास हमारा
व्हीकल स्पीड सेंसर में तीन पिने हैं। एक तो होती है पावर की, पावर सप्लाई। अब जैसे बैटरी वोल्टेज है 24 वोल्ट तो 24 वोल्ट ही जाएगा, 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट ही जाएगा। तो अभी 12 वोल्ट मान लेते हैं, ये ग्राउंड है और ये हमारा सिग्नल। तो सिग्नल आपका 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक जाता है। ये हॉल इफेक्ट सेंसर की हम बात कर रहे हैं। हॉल इफेक्ट की बात आती है तो पहले देख लेते हैं हॉल इफेक्ट होता क्या है। ये एक पर्टिकुलर एक कोई भी सेंसर है मैग्नेट जिसमें लगा हुआ है और आगे ये हॉल एलिमेंट लगा हुआ है एक छोटा सा, ठीक। अब हॉल इफेक्ट क्या होता है कि देखो, ये एक प्लेट है जिसमें हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और ये हॉल एलिमेंट है, यहाँ पे करंट बहना चालू हो गया। तो नॉर्मली तो जब करंट, जब ये मैग्नेट नहीं है यहाँ पे, तो ये करंट सीधे सीधे फ्लो हो रहा है, ठीक। क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने का एक ही तरीका है कि जैसे ये अगर बैटरी है और मैं बीच में एक बल्ब लगा देता हूँ और ऐसे, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो होता क्या है, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन बहना चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ही वो सबसे छोटा पार्टिकल, ये दिखता नहीं है। आप सोचें ये वीडियो देख करके मैं देखूं इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऐसा नहीं होता, तो ये दिखेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बहता है, हमेशा नेगेटिव से बाहर निकल के पॉजिटिव में जाता है और करंट हमेशा उसके अपोजिट बहता है। तो पॉजिटिव से करंट ऐसे निकल के फिर नेगेटिव में जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मली तो सीधे सीधे ऐसे मूवमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर एक मैग्नेट आया है, मैग्नेट आ जाता है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एक सीधा सीधा भाव था वो ऐसे बिखर जाता है। नेगेटिव एक तरफ आ जाता है, पॉजिटिव एक तरफ आ जाता है। ये पॉजिटिव आ गया, इधर इधर नेगेटिव आ गया। अब मैं दोनों साइड से अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापूं तो छोटा सा वोल्टेज मेरे को मिलता है। वो फिर बाद में एक सर्किट बनता है, उसमें एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करके वो ECU तक जानकारी पहुंचती है। तो ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये हॉल वोल्टेज है और इसी इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। ये जो वोल्टेज बन रहा है साइड में, इसी को कहते हैं हॉल इफेक्ट, ठीक। तो ये तो होता है हॉल इफेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें ये कैसे काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये रही इसमें एक छोटी सी चिप, इसके अंदर आपका हॉल एलिमेंट है, जो छोटा सा एक वोल्टेज जो जनरेट होगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए पूरा सर्किट है, ठीक। और बिल्कुल ही ये जो सर्किट है, बहुत ये पर्टिकुलर व्हीकल के लिए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है। ये नहीं कि आप उठा करके इस सेंसर को किसी भी गाड़ी में लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं ये काम किस तरीके से करेगा। ये आपका देखिए, ये आपका सेंसर है, ये आपका ECM है। ECM से ग्राउंड आया, ये आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जो भी आपके पास ट्रक है तो 24, कार है तो 12 वोल्ट। ये आपका हॉल एलिमेंट जो सेंसर के अंदर ही है और ये एक छोटा सा मैग्नेट। तो इसमें वो मैग्नेट कहाँ है, ये जो आपकी गियर यहाँ पे लगती है, ये शाफ्ट ये घूमती है। तो ये आपका जो है ये मैग्नेट, ये देखिए ये शाफ्ट जो है, ये आगे जो है ये मैग्नेट है, ठीक। और इस मैग्नेट के अंदर ही, ये देखिए मैग्नेट के अंदर ही रोटर है। ये जो रोटर है चार, ये आप देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए तो ये रोटर है भाई, जो अभी आपने पिक में देखा, और ये हॉल एलिमेंट है। अब जब तक क्योंकि ये मैग्नेट है, ठीक, ये जो चारों दांते हैं ये मैग्नेटिक हैं, तो जैसे ही ये हॉल एलिमेंट के सामने आते हैं वैसे ही एक हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वो आपका सिग्नल बन के फिर जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा हॉल इफेक्ट कैसे काम करता है, ये हॉल एलिमेंट है, जैसे ही मैग्नेट सामने आया एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। तो उसी तरीके से जब वो घूमता है, जब ये घूमता है, ये रोटर घूमता है और ये दांता सामने आ जाए, तो वैसे ही एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके सामने है, तो वैसे ही एक सिग्नल जो है यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो जाएगा और वो ECM को जाएगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो इसके सामने आते ही वो बंद हो जाएगा या फिर इसके दूर जाते ही वो चालू हो जाएगा।
तो एक सिग्नल बन जाएगा, वो सिग्नल जो है वो रेक्टेंगुलर होगा, कुछ इस तरीके का होगा, वो ऐसे रेक्टेंगुलर, और एक चक्कर में चार बार ये सिग्नल आपका प्रोड्यूस होता है। तो चार बार ये सिग्नल आपका एक चक्कर में प्रोड्यूस होता है। ये सिग्नल ECU में जाता है और ECU इस सिग्नल को रीड करके बताता है कि व्हीकल की स्पीड क्या है। इसे किलोमीटर सेंसर भी कहते हैं, इसको हम किलोमीटर सेंसर भी कहते हैं, जो आपका किलोमीटर बताता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीड से ही किलोमीटर का पता चलेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ख़राब हो जाता है तो आप गाड़ी खड़े रहें, गाड़ी को खड़े रह करके भी आप रेस देंगे तो भी जो है आपकी जो व्हीकल स्पीड है, खड़ी गाड़ी में भी रेस दे रहे हैं तो भी 10, 15 या कभी कभार तो जो है 30 दिखाने लगेगा। तो अब गाड़ी खड़ी हुई है, चल तो रही नहीं, फिर भी स्पीड दिखा रहा है, तो हो सकता है आपके सेंसर में इशू। ज़्यादातर जो आप ये कनेक्शन देख रहे हो यहाँ पे रस्ट आ जाता है, जंग आ जाती है, इसको साफ़ करके लगाओ, दिक्कत दूर हो जाती है। व्हीकल स्पीड का जो कनेक्शन, अब जैसे ग्राउंड है, व्हीकल ग्राउंड, तो कई गाड़ियों में जो है ये ग्राउंड शेयर होता है, या आपका क्रैंक सेंसर से शेयर है मान लो, और भी जो हॉल इफेक्ट सेंसर है उनके साथ जो है इसको शेयर कर दिया। तो अगर इसमें दिक्कत आ गई तो कई दफ़ा उनमें दिक्कत, या फिर ग्राउंड में दिक्कत आ गई, या किसी और सेंसर के ग्राउंड में दिक्कत आ गई, तो इनमें भी इनका डेटा भी गलत सलत शो करने लगता है। जैसे इसमें दिक्कत आने की वजह से कई बार जो RPM सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, जो RPM बताता है, पूरी गाड़ी आप रेस कर दो, इंजन रेस हो रहा है लेकिन जो RPM शो होंगे वो केवल 1000 ही शो होंगे, या 1200, जो भी है, मतलब कम शो होंगे, या कम है तो ज़्यादा शो होंगे। तो इस तरीके से भी ये इशू जनरेट हो जाता है। तो इसमें ये दिक्कत आने से अब आपको जैसे पता ही है कि ECU अल्टीमेटली ऑर्डर देता है आपके इंजेक्टर्स को, पंप को, तो वो जो ऑर्डर देता है उसमें दिक्कत आती है, फिर आपकी एवरेज बिगड़ता है, आपकी खिंचाई मरती है, ये सारी दिक्कतें इस व्हीकल स्पीड सेंसर की वजह से आ जाती है। तो आई होप आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और किस तरीके से ये काम करता है, कैसे इसमें पार्ट्स होते हैं, और इसके ख़राब होने से क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।